हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्मी किचन। सो आज हम बनाएंगे कुरकुरे मोमोज। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने में और ये बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं, 100 के 10 मिलते हैं सिर्फ। अगर आप इसे बनाएंगे अपने घर पर तो पूरा परिवार घर पर बैठकर आराम से खाएगा। फ्रेंड तो देखिएगा हमारी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोमोज की चटनी बनाएंगे। तो हमने ये 4 से 5 लाल मिर्च ले ली है सूखी और ये हमने लहसुन ले लिया है छिला हुआ 8 से 10। इससे टेस्ट आता है हमारी चटनी में, इसके बिना तो चटनी अधूरी है। और ये हमने 4 टमाटर ले लिए हैं। सो एक बाउल में हम सारी ये लाल मिर्च डालेंगे और ये लहसुन डालेंगे और टमाटर को बारीक 4 पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए ऐसे सारे ऐसे कर लेंगे। आधा ग्लास पानी डालेंगे उबालने के लिए। अब हम इसे गैस पर रखेंगे, गैस ऑन करेंगे हाई फ्लेम पे और इसे 5 से 10 मिनट तक उबालेंगे। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए इसमें उबाल आ चुका है अच्छा। ऑफ कर देंगे। देखिए एक हम कांटे की सहायता से देखिए ये बिल्कुल उबल चुके हैं अच्छी तरह से टमाटर है जो हमारे। हम ये सारे टमाटर को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इनका छिलका उतार लेंगे। ठंडे हो चुके हमारे टमाटर तो इनका छिलका उतार लेंगे हम। देखिए कितने आसानी से इसका छिलका उतर रहा है क्योंकि हमने इसे उबाल लिया था। मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। सारे टमाटर लिए हैं और ये हरी लाल मिर्च लिए हैं और ये लहसुन लिए हैं, इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। जब तक हम गैस ऑन कर लेंगे। हमने कढ़ाई में 2 चम्मच हमने तेल डाला है कुकिंग ऑयल और जो हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है, थोड़ी ग्राइंड हो चुकी है, इसे हम पैन में डालेंगे। इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे तरह से चलाएंगे और इसे पकने देंगे। इसमें अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। हमने एक छोटी चम्मच हमने नमक डाला है इसके अंदर। थोड़ा इसके अंदर हमने पानी डाल दिया है। सबको अच्छे तरह से चलाएंगे 1-2 मिनट के लिए। देखिए इसमें उबाल आ चुका है 1-2 मिनट बाद। और ये हमने चिली फ्लेक्स लिए हैं, जो लाल मिर्च होती है ना इसके जो बीज होते हैं वो डाले हैं हमने। और ये हमने लाल रंग लिया है, फूड कलर जो आता है बाजार में इजीली मिल जाएगा आपको, इससे काफी अच्छा हमारा रंग आ जाएगा चटनी में, इसलिए डाला है हमने। इसको अच्छे से चला लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। चटनी देखिए हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, कितनी टेस्टी लग रही है, बिल्कुल बाजार जैसी। आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पर। अब
अब हम बनाना शुरू करते हैं अपने मोमोज। तो हमने 4 से 5 गाजर ले लिए और ये हमने प्याज ले लिए, 4 बड़ी प्याज ले लिए हमने, इनको बारीक काट लिया और इसे कद्दूकस कर लिया है गाजर को। ये हमने इलायची गाजर ली थी। अब एक पैन में हम तेल डालेंगे 4 बड़ी चम्मच और इसे हाफ फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम प्याज डाल देंगे। प्याज का जो कच्चा पन है वो हम निकाल देंगे। 1-2 मिनट के लिए हम इसे चलाएंगे। देखिए लगभग हमारी ब्राउन हो चुकी है। इसके अंदर हम गाजर डाल देंगे। इन सबको अच्छी तरह से चला लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 बड़ी चम्मच नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 2 बड़ी चम्मच हम जो हमने मोमोज की चटनी बनाई थी ना वो डाल देंगे। आपको अगर मिर्ची ज़्यादा खाना पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। और इसके अंदर हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। एक छोटी चम्मच हमने धनिया पाउडर ऐड करा है इसके अंदर। और ये लाल मिर्च, हम लाल मिर्च थोड़ी ही डालेंगे क्योंकि पहले हमने चटनी डाल दी है। सबको अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे, चला लेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से हाफ फ्राई हो चुकी है। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। सो हमारे मोमोज की फिलिंग तो तैयार हो चुकी है। सो हम डो तैयार कर लेते हैं। सो हमने ये 1/2 किलो मैदा ले लिया। इसके अंदर हमने 1 बड़ी चम्मच या 1 छोटी चम्मच हम नमक डाल देंगे और एक डो तैयार करेंगे। तो धीरे धीरे पानी डालकर आप अपना सॉफ्ट डो तैयार करना है हमें। देखिए हमारा सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे रख देंगे। कुरकुरे मोमोज बनाने के लिए हमें कॉर्नफ्लेक्स चाहिए होंगे। तो देखिए आपको ऐसे बाजार में मिल जाएंगे इजीली। और ये हमने मैदा लिया है, 2 बड़ी चम्मच हमने मैदा लिया है ये। और इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। इसको एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। इसके अंदर हम रेड कलर ऐड करेंगे। अभी हमने अरारोट लिया है 4 बड़ी चम्मच। अरारोट से क्या होता है, जो हमारे मोमोज है वो काफी ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। देखिए हमारा पतला घोल बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम रेड कलर ऐड करेंगे, फूड कलर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो हमने कॉर्नफ्लेक्स लिए थे ना, इन सबको अच्छे से हम क्रश कर लेंगे, अच्छी तरह से हाथों से। देखिए ऐसे चूरा सा कर लेंगे इनका, वरना ये तलते समय ना मोमोज में से निकलते रहेंगे अपने आप ही, चिपकेंगे नहीं अच्छी तरह से। इसलिए हम इसे छोटे पीसेज में और क्रश कर लेंगे। क्रश कर लिया देखिए हमने। अब हम मोमोज बनाते हैं। तो हमने थोड़ा थोड़ा लोई लेनी है हमें, देखिए ऐसे बिल्कुल छोटी छोटी लेनी है। और जो हमारे मोमोज की लेयर है बिल्कुल पतली होनी चाहिए, इसलिए हम इतनी छोटी छोटी लेंगे। हम गैस पे कढ़ाई रख देंगे और इसमें तेल डाल दिया हमने, कुकिंग ऑयल। अब देखिए हम बेल लेते हैं अपने मोमोज की लेयर को। बिल्कुल पतली बेलनी है हमें, मीडियम साइज की। देखिए सारी बेल चुकी है, ऐसे और बना लेंगे।
अब इसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे जो हमने फिलिंग तैयार करी थी गाजर और प्याज की। देखिए बिल्कुल ऐसे डालनी है हमें, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो पर जितने भी ज़्यादा हमें डालना कि वो फटे। और ऐसे ऐसे कर करके हमें मोमोज की शेप देते जाना है। सारे ऐसे और बना लेंगे हम मोमोज। हमें बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल कम नहीं रखनी है फिलिंग, बिल्कुल मीडियम रखनी है। और साइड में से ऐसे मोड़ते हुए हमें मोमोज की शेप देते जाना है। देखिए ऐसे ऐसे सारे मोमोज और बना लेंगे हम। हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, देखिए गाइस। अब हम इसमें जो हमने घोल बनाया था ना, इसको हमें मोमोज कैसे भिगोना है और ये कॉर्नफ्लेक्स में अच्छी तरह से इसे लगाना है, देखिए ऐसे। और इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे, देखिए ऐसे डालना है। आपको ध्यान रखना है जो हमने ये घोल तैयार करा है इसे ज़्यादा लगाना है वरना ये चिपकेंगे नहीं कॉर्नफ्लेक्स हमारे। ऐसे सारे बना लेंगे हम मोमोज, सारे कढ़ाई में डालते जाएंगे। एक दो मिनट के लिए हम इसे नीचे से सिकने देंगे, एक दो मिनट बाद हम इन्हें पलट लेंगे। देखिए ऐसे पलटने हैं आराम से बिल्कुल से, देखिए बिल्कुल ब्राउन कलर आ चुका है इसमें। ऐसे नीचे से और एक दो मिनट के लिए सिकने देंगे। हमारे मोमोज फ्राई हो चुके हैं, देखिए अभी हम निकाल लेंगे प्लेट में। अच्छी तरह से इनका तेल निचोड़ लेंगे और प्लेट में डालते जाएंगे। देखिए हमने टिश्यू पेपर लगा रखा है जिसका जितना भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब निकल जाए। बाकी ऐसे और बना लेंगे हम मोमोज। देखिए गाइस हमारे मोमोज बनकर तैयार हो चुके हैं। सारे मोमोज बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं, देखिए कितने टेस्ट लग रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। सो गाइज इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। चलिए फिर अब मिलते हैं नई रेसिपी के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।